রকেট, পড়ে চালা পড়ে চালা। શું કરી દીધું? સારા કા સારા ભીગા દિયા મેરે કો. રેવા દો ને કાકા, ઇતની પ્યારી બારિશ હૈ, ઇસમે તો ભીગને કા મજા હી કુછ ઓર હૈ. મજા નથી, મજા કહો મજા. ખિડકી ખોલ કે સારા કપડા ભીના કર દિયા, અબ ઇસી હાલત મે ઓફિસ જાના પડેગા મુજે. કેવી છોકરી છે. હા અરે કાકા, યે ક્યા કિયા, પાણી તો હૈ, पिघल थोड़ी ना जाओगे. इतनी अच्छी हवा चल रही है और ऊपर से गीली मिट्टी की खुशबू. मेरी बात मानो, एक बार खिड़की के बाहर हाथ निकाल के तो देखो. आधी पागल लग रही है तू. आधी नहीं, पूरी की पूरी. मैं यहाँ बैठ जाऊँ? थैंक्स. टिकट टिकट, पड़े चला पड़े चला. खिड़कियों के बारे में मेरी एक थ्योरी है, ये खुली ही अच्छी लगती है. कितना टाइम हो गया मुंबई में रहते रहते, लेकिन बारिश से अभी तक मन नहीं भरा, है ना? मेरे लिए तो यहाँ पे पहली बारिश है, एक्चुअली पहला मौसम. हम यहाँ पे नए नए आए हैं ना, यहाँ पे आने के पहले हम 9 शहरों में रह चुके, पर कहीं भी ऐसी बारिश नहीं देखी. हाँ नहीं तो. ये हाँ नहीं तो क्या है? वो क्या है ना, लुधियाना में हमारे ऊपर वाले घर में निम्मी मौसी रहती थी, जो हर बात पे कहती थी हाँ नहीं तो. अब मुझे भी इनकी आदत लग गई है हाँ नहीं तो. इसका मतलब आपके पापा ट्रांसफरेबल जॉब में हैं, तभी एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती हो, कभी लुधियाना तो कभी मुंबई. नहीं नहीं, मेरे पापा तो वॉचमैन है, बस उनका मन एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होता रहता है. अच्छा ये बताओ, अब तक मुंबई में सबसे स्पेशल बात तुम्हें क्या लगी? कितना कुछ, जैसे कि लोग कितनी तेजी से भाग रहे होते हैं पर फिर भी कोई नहीं गिरता. इतना शोर, जैसे भगवान जी ने अपना सारा जनरेटर एक साथ ही चला दिया हो, पर फिर भी सब लोग अपने मन की सुनी लेते हैं. यहाँ का समुंदर अच्छा लगता है, उनके सामने जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग है वो अच्छी लगती है, उनमें रहने वाले लोग अच्छे लगते हैं, बस उनकी आंखों में जो एक खालीपन, एक परेशानी जो रहती है ना, वो हमें अच्छी नहीं लगती. डोंट वरी मैडम, जो लोग खिड़की खोलकर बारिश अंदर आने देते हैं, उन लोग की आंखों में कभी भी परेशानी या खालीपन नहीं होता. उड़े चला उड़े चला. मेरा स्टॉप आ गया. अरे बाहरून कितनी पानी है ताहे, खिड़की बंद करा, लौकर लौकर बंद करा. अरे ये फाइल तो मेरे पास ही रह गई. आंटी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड.
टिकट। दारजी एक सेकंड मैं आगे जाने दो। हाँ जी जाओ जी बिल्कुल जाओ। पुड़े चला एक सेकंड। हाँ एक सेकंड बस रोको। अरे बस रोको ना। लो सुबह सुबह जब काम पे निकला था तो बेटी को घर पे छोड़ के गया था। वापस आके देखा हूँ तो बेटी ने घर को दफ्तरी बना दिया है। क्या है ये सब? तुझसे ही बात कर रहा हूँ। ये ले प्रसाद का। नहीं। अरे प्रसाद को ऐसे ना नहीं कहते। चल मुंह खोल। ना थोड़ी ना कह रही हूँ, अभी मेरे हाथ थोड़े बिजी है ना, मैं बाद में खा लूंगी। आकर हाँ आप खुश? अब जल्दी से बता क्या है ये सब। सुबह एक लड़का मिला था बस में, गलती से उसके जरूरी पेपर्स मेरे पास ही रह गए। अब पता नहीं मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी। हाँ नहीं तो बाबा आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे। बोलो ना, अगर वो लड़का मुझे दोबारा नहीं मिला तो मैं उसके पेपर्स कैसे लुटाऊंगी। ओहो, अरे सारी दुनिया का ठेका तू नहीं ले रखा है क्या पगली? उसके पेपर्स उसकी किस्मत। नहीं वो मुझसे मिला वो उसकी बदकिस्मती। मेरी लापरवाही की वजह से उसके जरूरी पेपर्स मेरे पास ही रह गए। ठीक है बाबा, जितना ढूंढना है ढूंढ लेना, एक नंबर की जिद्दी है। क्या करे, अपने बाबा पर ही गई हूँ ना। बढ़िया, बाबा पे जाने वाली। बाबा चिकी और सोनी कह रहे थे कि वो जहाँ पे नौकरी करते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मुझे भी वहाँ नौकरी मिल सकती है। मोनिया तू कोई नौकरी नहीं करेगी, सुन लिया? पर क्यों बाबा, इसमें खराबी ही क्या है? क्या जरूरत है तुझे नौकरी करने की? मैं हूँ ना तेरी देखभाल करने के लिए। मैं पढ़ लिख नहीं सकती क्योंकि हम हमेशा एक शहर से दूसरे शहर घूमते रहते हैं, और अब मुझे नौकरी भी करने नहीं दे रहे। प्लीज बाबा मुझे नौकरी करने दीजिए ना प्लीज। तू तो मेरी राजकुमारी है बेटा, और राजकुमारी कहीं काम करती है? अरे क्या बाबा, अब हमेशा राजकुमारी राजकुमारी करते रहते हो। क्या राजकुमारी और कहाँ की राजकुमारी? माता का नेकलेस थोड़ा सा ऊपर करना। द नेक्स्ट वन इज अ टाइट फ्रेम।
महाराज, देवगढ़ की महारानियों पर एक कॉफी टेबल बुक आ रही है, उसका कवर शूट चल रहा है। एक मिनट, शॉट चल रहा साहब, क्या हम एक मिनट बात कर सकते हैं महाराज से अकेले में? बिल्कुल राजमाता जी, प्लीज टेक योर टाइम। गाइस ब्रेक। मां साहब, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप ब्रजराज, आप शूट के लिए तैयार नहीं हुए? बुक तो देवगढ़ की महारानियों पर है ना। देवगढ़ पे लिखी कोई भी किताब, वहाँ के महाराज और उनके रंगीन शौकों पे लिखे एक चैप्टर के बिना अधूरी रहेंगी। शौक तो सारे उसी दिन छूट गए थे माँ साहब, जिस दिन हमें देवगढ़ छोड़कर यहाँ मुंबई आना पड़ा। अब तो सिर्फ बिल्डर्स और होटेलियर्स के साथ उठना बैठना है। कहाँ के महाराज और कौन से शौक, हम जानते हैं कि मुंबई आने के फैसले से आप खुश नहीं है महाराज, पर देवगढ़ एस्टेट अब एक 5-स्टार पैलेस रिजॉर्ट बनने वाला है, हमें तो खुशी होनी चाहिए। परिवर्तन जिंदगी का सबसे बड़ा कानून है। यही फर्क है आप में और हम में डॉक्टर साहब, यही फर्क है। आप कानून मानते हैं और हम कानून बनाते हैं। ब्रजराज, डॉक्टर साहब से ये कहना आपको शोभा नहीं देता। आप जानते हैं कि इनके लिए हमारा परिवार क्या मायने रखता है। डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार ना सही, पर हमारे परिवार का एक अहम हिस्सा है। हाँ, शायद हमसे भी ज्यादा अहम। हमसे ऐसा क्या हो गया है महाराज जो आप सुबह से इतने खफा हैं? हम अपनी बेटी की शादी किसी आम परिवार में नहीं होने देंगे। सुन लिया आपने? ओह, तो आपको पता चल गया कि हम नरेंद्र सिंह के बेटे जगत से जय नंदिनी का रिश्ता करवाना चाहते हैं, और शायद आप ये समझ रहे हैं कि हमने ये फैसला डॉक्टर साहब के कहने से लिया है। यही बात है ना? हमेशा की तरह इस बार भी आपने अपना गुस्सा गलत इंसान पे उतार दिया। ये रिश्ता हम करवाना चाहते हैं, इससे डॉक्टर साहब का कोई लेना देना नहीं। क्या कहा आपने? आप चाहती हैं कि जयनंदिनी का रिश्ता किसी राजघराने में नहीं बल्कि किसी मामूली से घर में हो? जगत सिंह मामूली नहीं है ब्रजराज, वो भले ही राज परिवार से ना हो पर है वो खानदानी राजपूत। वो लोग राजपूत महासभा को हर साल करोड़ों का डोनेशन करते हैं। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि इस रिश्ते से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है। जिस तरह आप स्टेट का पैसा खर्च कर रहे हैं, उस लिहाज से तो इस रिश्ते से सबसे ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए। मां साहब, पैसा सब कुछ नहीं होता। मनी कैनॉट बाय क्लास।
जगत एक कल्चर्ड लड़का है, उसकी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है और एक होनहार बिजनेसमैन है। देखा नहीं, बस 3 ही साल में उसने अपने पिता का बिजनेस कहां से कहां पहुंचा दिया। और सबका मानना है कि अपनी सारी पढ़ाई इंग्लैंड में करने के बावजूद भी जगत के संस्कार पूरी तरह से राजपूताना है। ओहो, यानी इस बात की खबर हमारी महारानी जी को भी थी। जयनंदिनी की माँ है ये। जयनंदिनी की जिंदगी का कोई भी फैसला इनकी सलाह बगैर नहीं लिया जा सकता। वैसे आपकी सहमति भी उतनी ही जरूरी है हमारे लिए। हमारी सहमति तो बड़ी दूर की बात है मां साहब। पहले जरा जयनंदिनी को तो राजी कर लीजिए। लास्ट मंथ हम ये नहीं पहन सकते। Ray-Ban, so tacky. Whatever. इतनी लंबी ड्रेस, जब हम 80 years के हो जाएंगे ना तब ला कर देना। अब देखना जे का फैशन सेंस। Hi, Mom. Sorry, everyone. वो हमें तैयार होने में जरा देर हो गई। आइए बेटा, आप आई हैं, अब ये तस्वीर कंप्लीट होगी। देवगढ़ के 3 जनरेशन एक फोटो में एक साथ। हमें तो आना ही था। वैसे भी हमने कभी आपको डिसअपॉइंट किया है? एनीवेज, शुरू करें। रुकिए, थोड़ा वक्त और लगेगा। जयनंदिनी काफी हटके लग रही हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अगर ये इन्हीं कपड़ों में शूट करती हैं, तो किताब की बाकी तस्वीरें बदलनी पड़ेंगी। आपको हमारी ड्रेस पसंद आई? वाओ दादी साहब, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है। और आपकी भी, आफ्टर ऑल आप राजकुमारी हैं, स्टाइल आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया को आपको इस कपड़े में देखना चाहिए, तो जैसे आपकी मर्जी। मतलब आपको हमारे कपड़ों से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस इतनी सी बात है कि इन कपड़ों में आप में और
उस प्यारी सी बच्ची, क्या नाम है? शीना। शीना, शीना और आप में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। वो भी पार्टी में ऐसे ही कपड़े पहन के जाती होंगी, है ना शीना? मैम, अगर आप कुछ जरा ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहन लेती तो। डायरेक्टर साहब, ये राजकुमारी हैं, वही करेंगी जो चाहेंगी। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा। इस जनरेशन की यही तो खासियत है कि सब एक दूसरे की तरह ही लगना चाहते हैं, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रह गई। खैर, आप शुरू करिए। चलो शुरू करते हैं। रुकिए, अगर हम ट्रेडिशनल लहंगे के साथ बैकलेस चोली पहन ले तो वो कूल भी होगा और ट्रेडिशनल भी। जैसे आपकी मर्जी। हमने कहा था ना दादी साहब, हम आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। हम अभी चेंज करके आते हैं। कोमल। जी माँ साहब। हम सोच रहे थे आज शूट के बाद जय नंदिनी से जगत के बारे में भी बात कर ले। माँ साहब, इस बारे में जय नंदिनी से सिर्फ आप ही बात कर सकती हैं। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? प्लीज बाबा, मुझे नौकरी करने दो ना। तू अभी तक वही बात लेके बैठी है, समझने की कोशिश कर बेटा। वो जगह तेरे लिए ठीक नहीं है, अगर तुझे कुछ हो गया तो। बाबा, आपने देखा नहीं है वह यूनिफॉर्म में कितने सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं? मुझे वहाँ कुछ नहीं होगा, उल्टा इस शॉल से डबल महफूज रहूंगी मैं वहाँ पे। और फिर चिक्की सोनी भी तो है ना मेरे साथ। अच्छा ये बताए, ये नौकरी है क्या जिसके लिए इतनी मिन्नत मांग रही है? मॉल में सफाई करने की, बस। तू पागल है क्या, यही तेरा ख्वाब, तू मॉल में सफाई वाली बनेगी? तो क्या हुआ बाबा, मैं रोज अपने दोस्तों के साथ जाया करूँगी, कितना मजा आएगा। याद है जब मैं छोटी थी, आप अपने कंधे पे बैठा के मुझे मेला दिखाने ले जाते थे ताकि मैं कोई भी सही चीज मिस ना कर दूं। मुझे दुनिया देखनी है बाबा, प्लीज हाँ कर दो। देखो अब जब तक हाँ नहीं बोल देते तब तक मैं प्लीज 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 बोलती ही रहूंगी। प्लीज 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 प्लीज। बस मोनिया बस, अब ये तेरा प्लीज 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 और नहीं चलेगा। इतना छोटा सा तो ख्वाब है मेरा, आप इसे भी पूरा होने नहीं दोगे? जिद मत कर मोनिया, तू नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी बस। पर केम बाबा। तारा बता केम नो जवाब मारे पास नहीं। तो ठीक छे, मैं भी आप भी की बेटी हूँ, पूछती रहूंगी जब तक मुझे मेरा जवाब नहीं मिल जाता। या तो आप मुझे काम करने दीजिए या फिर बता दीजिए कि मैं काम क्यों नहीं कर सकती। हाँ नहीं तो। तू नहीं मानेगी ना? नहीं। तो फिर मुझसे पूछती क्यों बेटा, जब तुझे अपनी मनमानी करनी है तो। मतलब आपने हाँ कर दी ना बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप इन कपड़ों में काफी अच्छी लगती हैं। हमें लगा उन्हें आज के जमाने की प्रिंसेस देखनी है, इसीलिए हमने वो पहले वाले कपड़े पहन लिए थे। डीएस, उप्स, आई मीन दादी साहब। दो छोटे से तो शब्द हैं, उनका भी आप शॉर्ट फॉर्म बना देती हैं। आपको यहाँ मुंबई में लोनली फील हो रहा होगा, सारे दोस्त लंदन में जो छूट गए। हम सोच रहे थे कि हम आपको आपके उम्र के कुछ लोगों से मिलवा दें। हमारे फैमिली फ्रेंड है नरेंद्र सिंह जी, उनके बेटे आपसे कुछ ही साल बड़े हैं, उनका नाम है जगत सिंह। यू नो डियर, लंदन में हमारे बाकी फ्रेंड्स उन्हें क्या कहते थे, दैट इज क्वाइट अ कैच। कॉलेज की सारी लड़कियां उसे फंसाने के चक्कर में रहती थी। ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती बेटा,
राज परिवारों के कुछ तौर तरीके होते हैं। खैर, हम चाह रहे थे कि हम आप दोनों को एक फॉर्मल इंट्रोड्यूस करवा दें। आपको अच्छी कंपनी रहेगी। ओ डीएस, तो आप हमारे लिए मैच मेकिंग कर रही हैं, है ना? हम उनसे मिल तो लेंगे, पर उनसे मिलने हम ऐसे कपड़ों में तो नहीं जा सकते ना। आप कहे तो शॉपिंग के लिए आपको हमारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अगले वीकेंड हम फ्री हैं, आप चाहती है तो हम उनसे तभी मिल लेंगे। हम जानते थे आप जरूर मान जाएंगी। अभी माने कहाँ हैं डीएस, सिर्फ मिलने के लिए तैयार हुए। मैडम प्लीज आगे जाइए वरना भीड़ लग जाएगी। ओह सॉरी, तू काम के पहले दिन लेट होना चाहती है? बेवकूफ, अब तो रोज यहाँ आना है, आराम से देखती रहना जब मन करे। अभी चल हिल यहाँ से, यूनिफॉर्म लेने जाना है। रोज घर जाते टाइम यूनिफॉर्म वापस करना होता है। और सुन, यहाँ सब लोग वक्त के बड़े पाबंद हैं। बाथरूम जाने के लिए भी सिर्फ 5 मिनट ही देते हैं। अच्छा बाबा, मैं 4:30 में काम पे वापस लौटाऊंगी, अब चले। हाँ बेटा, पहले दिन तो सब ऐसे ही उतावले होते हैं काम शुरू करने को लेकर, पर कुछ दिनों बाद देखना सारा जोश फिनाइल की खुशबू में भूल जाएगी। ले पकड़, टेकिंग द झाड़ू एंड कटका टू मेकिंग द लाइफ मस्का। अब चले। चल जरा सी लग रही दो, दिल बोले सोया था अब जगने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, हवा जरा सी लग रही दो, सोया था अब जगने दो। तुझे देखकर ना गाना गाने का मन कर रहा है। झाड़ू तेरी नजर, देखना मेरी वजह से जो झाड़ू मारने वाली नौकरी है ना, कितनी पॉपुलर होने वाली है। सब लोग बड़े होके मॉल में झाड़ू वाली बनना चाहेंगे। सोया था अब जगने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, ओ हेलो, किसे देख रही है? उसे जो चौल का सलमान खान है। हमारी चौल में रहता है? रहता था, पर अब इसने गोविंद नगर में एक रूम किराए पे ले लिया है। तुझे पता है इस साल उसको 3-3 प्रमोशन भी मिल गए हैं और इस फ्लोर का असिस्टेंट मैनेजर भी है। तुझे पता है वो अपने पेरेंट्स की बहुत केयर भी करता है। बाय गॉड, परफेक्ट लड़का है मोनिया, परफेक्ट।
अरे तू कहाँ खो गई? देखा ये भी गई है ही ऐसे। इसे तो छूने का मन कर रहा है। छूने का? इसे तो मैं अपने घर पे सजा लूं, इतना सुंदर है ये। हाँ तो तू किसके बारे में बात कर रही है? वो सैंडल के बारे में, और क्या। क्या हम तुझे जान दिखा रहे हैं और तू उंगली देख रही है? सामने देख मुनिया, सामने। इतना बड़ा तिला मत बनाओ। अगर तुम्हें सैंडल्स नहीं चाहिए तो कोई और जाके चूज कर लो। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, बेचारे शायद सेल्समैन की भी चली जाए। ओ तेरी, ये तो वही है जिसे मैं ढूंढ रही थी। अरे तू ही नहीं, हम सब भी पूरी लाइफ सिर्फ इसे ही ढूंढ रहे थे। अरे ये कहाँ गई? अभी तो अच्छे से बात कर रही थी। अरे मुनिया सुन ना, कहाँ जा रही है? मुनिया वहां जाना अलाउड नहीं है। लड़की तूने ये सैंडल छुए कैसे? ऐसे। मैम प्लीज मैम मेरी बात तो सुनिए। मैम प्लीज मैम रुकिए तो सही। मैम रुकने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, हम वो सैंडल्स नहीं खरीदेंगे। कोई बात नहीं, बाहर फेंको वो सैंडल अभी के भी, राइट नाउ। और मैडम को दूसरा पेयर दिखाओ। सर वो एक ही पेयर था सर। कोई बात मैडम, हमारे पास और भी सैंडल्स हैं, इससे बेटर डिजाइन्स के हैं मैडम। सॉरी मैडम, गलती हो गई, मुझे पता नहीं था आप इन सैंडल्स को ट्राई कर रहे थे। मैं अभी इन्हें साफ कर देती हूँ। प्लीज अब इन्हें साफ करके और गंदा मत करो। इतने प्यारे सैंडल्स हैं मैडम। अमेजिंग, तो एक सफाई वाली हमें सैंडल्स के बारे में लेक्चर देगी? ये तू कैसे बात करी मैडम से? और तेरी हिम्मत कैसे हुई शॉप में आने की? अरे सर, पर मैंने किया ही क्या है, गलती से इन सैंडल्स को छू लिया बस। मेरे छुए हुए सैंडल्स को पहन के मैडम बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी ना? एक तो गलती करती ऊपर से जवाब देती है। तुझे मालूम है कि नहीं मैडम हमारी कितनी इम्पोर्टेंट कस्टमर है, उन्हें नाराज कर दिया। और क्या जरूरत थी तुझे ये सैंडल छूने की? रहने दीजिए, इसमें इसका कोई कसूर नहीं। ये झांकी है, वहाँ हाइजीन तो नहीं सिखाते। देखो इतनी सिराई का इतना बड़ा तिला मत बनाओ। अगर तुम्हें सैंडल्स नहीं चाहिए तो कोई और जाके चूज कर लो। तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी तो जाएगी जाएगी, बेचारे शायद सेल्समैन की भी चली जाए। How she talking यार, ऐसे बात करी थी जैसे तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ती हो। नो मैनर्स, जहाँ से वो बिलोंग करती है वहाँ सब ऐसे ही चीखते चिल्लाते होंगे ना। मैं
मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ इसका मतलब क्या है? तुमने पहले भी बोला पर मैंने जाने दिया, तुम एक ही चीज बार बार क्यों बोल रही हो? समझती क्या हो अपने आप को? आसमान से उतरी हो क्या? मैंने किया ही क्या है जो तब से सारा मॉल सर पे उठा लिया है? बस छुआ ही था ना अपने गंदे साबुन वाले हाथों से। मतलब अगर मेरे साबुन वाले हाथों ने कुछ भी छुआ हो तो तुम उसे कभी नहीं छुओगी? अगर ये लड़की हमारे और करीब आई ना तो हम फिनाइल की बदबू से ही फेंट हो जाएंगे। Calm down. Calm down. What the hell? Calm down. तुम्हें देखा नहीं थी मैंने क्या किया?